बहुत अच्छे दोस्त मेरे मेरी वजह से उर्दू में बहुत रवा हुए। एक बहुत बड़ी मिसाल बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज़ की है जी जी, जो स्कूल फेलो था मेरा पांचवी जमात से आगे तक जी जी, उसकी सारी उर्दू जो है और ब्रॉडकास्टिंग में जो उर्दू इस्तेमाल की जी जी, वो हमारे घर की देन थी। बिल्कुल सही। तारिक की कमजोरी अंग्रेज़ी थी जी जी जी, उस कमी को उसने उर्दू से पूरा किया। तो तारिक अजीज़ वहाँ बैठा जिक्र कर रहा था कि मुझे 300 रुपये मिलेंगे तो मैं एक सूट खरीदूंगा, मैं एक टाई लूंगा, एक कमीज़ लूंगा। मैंने उससे कहा था कि देखें सूट और टाई के साथ साथ ये प्रोग्राम भी बना लें कि तकिए का गिलाफ भी ले लें, क्योंकि मैंने आपके तकिए पे ड्राई क्लीनर का प्लास्टिक का लिफाफा चढ़ा दिया है क्योंकि वो बहुत मैला हो गया था। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा बताइएगा कि आपने एक ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा यहाँ गुजारा और फिर सेंट्रल पंजाब में साहिवाल में, तो कभी पंजाबी नहीं बोली आपने? ये मैं बहुत दफ़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मुझे अफसोस है, बल्कि कल मैंने ये अफसोस का इजहार भी किया एक सिंधी टीचर दोस्त से। उसने मुझे इत्तला दी कि यूट्यूब पे मेरे 2-3 लेक्चर उन्होंने सिंधी में ट्रांसलेट किए हैं और उनकी कॉपी मुझे उन्होंने ईमेल की। तो मैंने उससे कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि मैं सिंधी ज़बान नहीं जान सका, शर्म की बात है कि हमारी इतनी इम्पोर्टेंट ज़बान जो उर्दू से बहुत पुरानी है उसके बारे में मैं नाबलद हूँ। उससे पंजाबी मैं इसलिए नहीं रवा हो सका कि स्कूल के ज़माने से मेरे सारे साथियों ने, मेरे टीचर्स ने मुझसे बजाय पंजाबी के हमेशा उर्दू में बात की और मुझे हाल ही के ख़ानदान का समझते हुए जी जी, वो ये कहते थे मास्टर पंजाबी में कि हाँ भाई हाल ही दिया अंडिया तू दस। बात वो मेरे से हमेशा उर्दू में करते थे। तो मेरे सारे दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त मेरे मेरी वजह से उर्दू में बहुत रवा हुए। एक बहुत बड़ी मिसाल बहुत मशहूर ब्रॉडकास्टर तारिक अजीज़ की है जी जी, जो स्कूल फेलो था मेरा पांचवी जमात से आगे तक जी जी, वो हमारे फैमिली फ्रेंड बन गया था, हमारे घर आना जाना था। उसकी सारी उर्दू जो है और ब्रॉडकास्टिंग में जो उर्दू इस्तेमाल की जी जी, वो हमारे घर की देन थी। बिल्कुल सही। वो बड़े मतलब साहब तर्ज उर्दू बोलने वाले थे, बड़ा उनकी आवाज़ में तनतना और दबदबा था। बहुत बहुत आला पाए का ब्रॉडकास्टर था जी जी। मैं और वो साहिवाल से इकट्ठे आए थे हम लाहौर। वो तारिक अजीज़ की लोग नाराज़ हो जाते हैं जब मैं कहता हूँ, एक खातून ने बहुत बुरा भला भी कहा मुझे फेसबुक पे जी जी, ये कहने पे जब इंतकाल पे तारिक के नाम ये लिखा कि तारिक की कमज़ोरी अंग्रेज़ी थी जी जी जी, उस कमी को उसने उर्दू से पूरा किया। बिल्कुल। और उर्दू लिटरेचर पे जितना उरूर उसको हासिल हुआ वो बहुत लाजवाब था। बिल्कुल सही। इस पे खातून नाराज़ हो गई थी। मैंने उनको ये बताया, फिर मैंने कहा आप तो उनकी नीलाम घर की फ़ैन होंगी। मैंने 20 साल नीलाम घर चला, मैंने एक भी नीलाम घर में शिरकत नहीं की थी। अलबत्ता 20वीं सालगिरह पे उसकी मुझे बुलाया गया था और मेरे साथ 3-4 लोग और थे, तो इस पे मैंने वहाँ ये कहा था कि तारिक अजीज़ की ख्वाहिश थी जब हम कॉलेज में पढ़ते थे और स्कूल में थे, वो टीचर बनना चाहते थे, लेकिन नीलामगर और रेडियो की नौकरी ने उन्हें ब्रॉडकास्टर बना दिया और उनका ये ख्वाब टीचर बनने का पूरा नहीं हुआ। हालांकि नीलामगर का काम जो है
मैंने वहाँ ये कहा कि ये काम बतौर पार्ट टाइम के तो ठीक है, लेकिन कोई मुस्तकिल ऐसे अपनी ज़िंदगी बना ले इस किस्म के प्रोग्राम को, उससे मैं ज़ाती तौर पे एग्री नहीं करता। तो इस पे हमारे एक बहुत मशहूर और पॉपुलर राइटर ने, वो भी डिस्कशन में थे, उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं, तारिक अज़ीज़ बहुत पैगंबराना काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि माफ़ कीजिए, मैंने किसी पैगंबर के बारे में ये नहीं पढ़ा कि वो टूथपेस्ट बेचने के इश्तहारात में काम करता था। तो ये जब तारिक अज़ीज़ आए लाहौर में, तो मैं उन दिनों हम आए थे, मैंने उस खातून से कहा था कि देखें बीबी, मैं और तारिक अज़ीज़ अपने मुश्किल वक्त के दोस्त हैं, हमने लाहौर में जो वक्त गुजारा, मैं PPI में 165 रुपये महीने का मुलाजिम था, वहाँ वेज बोर्ड इम्प्लीमेंट नहीं हुआ हुआ था, और तारिक अज़ीज़ 150 रुपये महीने का रेडियो का अनाउंसर था, कमरा किराए पे लेते थे हम, एक कमरा उस ज़माने में 45-40 रुपये महीने पे कमरा मिल जाता था, 3-4 जगहें तब्दील की मैंने और तारिक में, हम इकट्ठे रहते रहे, और कॉफ़ी हाउस में जो ज़ैलेंस कॉफ़ी हाउस था जो ख़त्म हो गया है माल रोड पे, उसमें हमारा उधार चलता था, अकाउंट था, जो बाद में हालात बेहतर होने पे मैं 2-3 साल तक उतारता रहा। तो क्योंकि मेरी तनख्वाह ज़्यादा थी तारिक अज़ीज़ से, तो कमरे का किराया हमेशा मेरे ज़िम्मे हुआ करता था। तो मैंने ये बताया उस बच्ची को कि बीबी, मैं और तारिक अज़ीज़ मुश्किल वक्त के दोस्त थे, बाद में जब तारिक अज़ीज़ TV पे आ गए, फिल्मों में भी जाने की कोशिश की जिसमें कामयाब नहीं हुए, वो फिल्में तो उन्होंने काफ़ी की लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हुए जी। बल्कि एक वाकया याद आ गया मुझे, उसको जब पहला रोल मिला था एक वकील का, एक फिल्म थी मोहम्मद अली की खामोश रहो जी, उसमें तारिक अज़ीज़ को रोल मिला था वकील का, एक जब मुकदमा चला हीरो पे, 300 रुपये का वादा किया था प्रोड्यूसर ने, जो नहीं दिए उसने। तो लॉ कॉलेज के हॉस्टल में, ओल्ड कैंपस के कमरा नंबर 12 में मैं शेयर करता था अपने लॉ के स्टूडेंट दोस्त के साथ, वहाँ शाम को हमारी महफिल लगती थी, तो तारिक अज़ीज़ वहाँ बैठा जिक्र कर रहा था कि मुझे 300 रुपये मिलेंगे तो मैं एक सूट खरीदूँगा, मैं एक टाई लूँगा, एक कमीज़ लूँगा। मैंने उससे कहा था कि देखें, सूट और टाई के साथ साथ ये प्रोग्राम भी बना लें कि तकिए का गिलाफ भी ले लें, क्योंकि मैंने आपके तकिए पे ड्राई क्लीनर का प्लास्टिक का लिफाफा चढ़ा दिया है क्योंकि वो बहुत मैला हो गया था। तो इस पे वो खातून नाराज़ हो गई थी। मैंने कहा बीबी, हम मुश्किल वक्त के साथ ही हैं। बाद में जब तारिक को TV पे नौकरी मिल गई, उसके बाद से हमारा रابطہ ख़त्म हो गया। मैं यूनिवर्सिटी आ गया PTI से, और वो TV पे चले गए।